मोगा दियां दो बजुर्ग महिलावां ने 60 अते 53 साल की उम्र दे विच 12वीं जमात कीती पास। पोते पोतियां दे नाल बैठ के कीती 12वीं दी तैयारी। नतीजे वेख के हो गए सारे हैरान। इलाके दियां महिलावां दे वास्ते आ रहियां ने इन्हां महिलावां दे वल्लों नवीआं पैड़ां। इन्हां दे वल्लों दित्ता जा रिहा है नवां सुनेहा कि पढ़न लिखन की कोई उम्र नहीं हुंदी। जी हाँ, मोगा दियां दो बुजुर्ग महिलावां ने 60 अते 53 साल की उम्र के 12वीं क्लास पास की है। पोते पोतिया के नाल बैठ के इन्हां दे वल्लों 12वीं की तैयारी की गई है। नतीजे देख के सारे लोग हैरान हो गए। इलाके दियां महिलावां दे वल्लों इत्थे एक नवीआं फिरतां पा के सारिआं दे वास्ते प्रेरणादायक यह कदम चुका गया है। इन्हां दे वल्लों यह दसा गया है कि पढ़न लिखन की कोई उम्र नहीं हुंदी। तां आओ इन्हां दे वल्लों अते इन्हां दे परिवार दे वल्लों की कहा गया है, आओ सुनदे हां। चल नौकरी मिल जूगी, पर नहीं मतलब कि उदो तक टाइम ही नहीं लगे। मतलब कि पढ़ते आ तो नहीं, बच्चे फिर अजक नशे से जा पढ़ते हैं, माँ प्यो देख के बच्चे चंगे काम करते हैं, चंगी चंगी सोच रखते हैं। बच्चे जिम्मे पढ़ाई छड़े जिस तरह तुम्हें कहा भी कोई थोड़ा बहुत यह भी होंगे कि नाल के बच्चे ज्यादा पढ़े तो कहते तो पढ़े नहीं गए, महसूस भी होंगे। हाँ जी, सूँ महसूस होंगे जो तुम आशा वर्कर हम सी कुड़ियाँ कहते हैं अं प्लस टू हाँ, असं फैसीनेटर बन गए हूँ, असं इन्हें कहो गए साढ़े मन चाहिए भी असं भी जो कुछ कर लें तो असं भी इस मंजिल से पहुँच जाते हैं। तो साढ़े मन का ही ख्याल है भी असं प्लस टू के पेपर दे के कोई ना कुछ तो करिए, चल जिंदगी का समा जरा इदा ही चलता जाना जी। कौर जी, बलजीत कौर जी, कि उम्र है? 60 साल जी। पता लगे 10वीं पेपर दिते ही पास हो गए? हाँ जी हाँ जी, पास हो गए। कितनी देर बाद तुसी पढ़ाई दोबारा शुरू की? मैं जी 47 साल बाद की है। कि क्लास छी थी पहले? 8वीं जी, सन विचाले छी। जरूरी है मन च छाला ही आया बस, ते पढ़ाई थोड़ी थोड़ी नाल दी शुरू करती। पढ़ाई जो पता लग गया हुण गां पास हो जांगे, फिर जी असीं ओपन च दाखला भरता 10वीं दा, तो पेपर देते महाराज ने बड़ी कृपा की थी, बहुत वधिया नंबर आ गए थे, पास हो गए। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड दी? हाँ जी हाँ जी, पंजाब बोर्ड दी कीती है। मतलब कि ऐसा कोई नहीं कि हुण भी अगर तुसीं 47 साल बाद भी पढ़ाई करना चाहो तो कर सकदे हो? नहीं, किसी ने नहीं, बहुत ने तो क्या बहुत वधिया, पर तुहानूं पता जिहड़े कोई नहीं है इहदी सोच सोचदे गे, वो कहिंदे सी लै इस उम्र च बुढ़े हो के पेपर देण लगे आ, पर असीं सोचिया नहीं गा, आपदा मन खुश रखिया भी किसी ने जो कुछ बोलदा बोली जावे। बहुत वड्डी उम्र दे विच उन्हें पेपर देण लगे आ, सारे टीचर भी खुश हुंदे सी उत्थे देख के, माता थोड़ी रीस कोई होर भी बच्चा करूगा,
ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਚੰਗੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜੀ 342 ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਏ ਬਸ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਪੋਤੀ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਆ ਜੀ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆ ਅਤੇ ਪੋਤਾ ਆਪ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਮਖੌਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਪੇਪਰ ਦੇਊਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੱਬਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਪਾਸ ਹੋਈ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾ ਕੇ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਬਾਹਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੀ ਪੜ੍ਹੋ ਦੱਬ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ